नमस्कार, सुनो कहानी में आपका स्वागत है। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि चंदर बेसुध सा हो गया है और हमने आगे सुना कि बिसरिया बिनती नाम का एक कविता संग्रह लिखता है जो कि चंदर के हाथ लग जाता है, जिसपे उन दोनों में काफ़ी बातें होती हैं। अब आगे। अगस्त की उदास शाम थी, पानी रिमझिमा रहा था और डॉक्टर शुक्ला के सूने बंगले के बरामदे में कुर्सी डाले लॉन पर छोटे छोटे गड्ढों में पंख धोती और कुलेले करती हुई गौरैयों की तरफ अपलक देखता हुआ चंदर जाने किन ख्यालों में डूबा हुआ था। डॉक्टर साहब सुधा को लिवाने के लिए शाहजहांपुर गए थे, बिनती भी जिद करके उनके साथ गई थी। वहाँ से ये लोग दिल्ली घूमने के लिए चले गए थे, लेकिन आज 15 रोज हो गए और उन लोगों का कोई भी खत नहीं आया था। डॉक्टर साहब ने ब्यूरो को महज एक अर्जी भेज दी थी। चंदर को डॉक्टर साहब के जाने के पहले ही कॉलेज में जगह मिल गई थी और उसने क्लास लेने शुरू कर दिए थे। वो अब इसी बंगले में आ गया था। सुबह तो क्लास के पाठ की तैयारी करने और नोट्स बनाने में कट जाती थी, दोपहर कॉलेज में कट जाती थी, लेकिन शामें बड़ी उदास गुजरती थी और फिर 15 दिन से सुधा का कोई खत भी नहीं आया। वह उदास बैठा सोच रहा था, लेकिन यह उदासी थी, दुख नहीं था। और वह भी उदासी एक देवता की उदासी, जो दुख भरी न होकर सुंदर और सुकुमार अधिक होती है। एक बात जरूर थी, जब कभी वह उदास होता था तो जाने क्यों वह हमेशा सोचने लगता था कि उसके जीवन में जो कुछ हो गया है उस पर उसे गर्व करना चाहिए, जैसे वह अपनी उदासी को अपने गर्व से मिटाने का प्रयास करता था। लेकिन इस वक्त एक बात रह रहकर उभर आती थी उसके मन में, सुधा ने खत क्यों नहीं लिखा। पानी बिल्कुल बंद हो गया था, पश्चिम के दो एक बादल खुल गए थे और पके जामुन के रंग के एक बहुत बड़े बादल के पीछे से डूबते सूरज की उदास किरणें झांक रही थी। इधर की ओर एक इंद्रधनुष खिल गया था जो मोटर गैरेज की छत से उठकर दूर पर यूकलिप्टिस की लंबी शाखों में उलझ गया था। इतने में छाता लगाए पोस्टमैन आया। उसने पॉर्टिको में अपने जूतों में लगी कीचड़ झाड़ी, पैर पटके और किरमिच के झोले से खत निकाले और सीढ़ी पर फैला दिए। उनमें से ढूंढकर 3 लिफाफे निकाले और चंदर को दे दिए। चंदर ने लपक कर लिफाफे ले लिए। पहला लिफाफा बुआ का था, बिनती के नाम। दूसरा था ओरिएंटल इंश्योरेंस का लिफाफा, डॉक्टर साहब के नाम। और तीसरा एक सुंदर सा नीला लिफाफा, यह सुधा का होगा। पोस्टमैन जा चुका था। उसने इतने प्यार से लिफाफे को चूमा जितने प्यार से डूबता हुआ सूरज नीली घटाओं को चूम रहा था। पगली कहीं की, परेशान कर डालती है। यहाँ थी तो वही आदत, वहाँ है तो भी वही आदत, चंदर ने मन में कहा और लिफाफा खोल डाला। लिफाफा पम्मी का था, मसूरी से आया था। उसने झल्ला कर लिफाफा फेंक दिया। सुधा कितनी लापरवाह है, वह जानती है कि चंदर को यहाँ कैसा लग रहा होगा, बिनती ने बता दिया होगा, फिर भी वही लापरवाही। थोड़ी देर बाद उसने पम्मी का खत पढ़ा। छोटा सा खत था। पम्मी अभी मसूरी में ही है, अक्टूबर तक आएगी। लगभग सभी यात्री जा चुके हैं, लेकिन उसे पहाड़ों की बरसात बहुत अच्छी लग रही है। बर्टी इलाहाबाद चला गया है, उसके साथ वहाँ से एक पहाड़ी ईसाई लड़की भी गई है। बर्टी कहता है कि वह उसके साथ शादी करेगा। बर्टी अब बहुत स्वस्थ है, चंदर चाहे तो बर्टी से जाके मिल ले। सुधा के खत के ना आने से चंदर के मन में बहुत बेचैनी थी। उसे ठीक से मालूम भी नहीं हो पा रहा था कि ये लोग हैं कहाँ। बर्टी के आने की खबर मिलने पर उसे संतोष हुआ। चलो एक दिन बर्टी से ही मिलाएंगे, अब देखें कैसे हैं वह। तीसरे या चौथे दिन जब अकस्मात पानी बंद था तो वह कार लेकर बर्टी के यहाँ गया। बरसात में इलाहाबाद की सिविल लाइन्स का सौंदर्य और भी निखर कर आता है। रूखे सूखे फुटपाथों और मैदानों पर घास जमाती है। बंगले की उजाड़ 4 दीवारियाँ तक हरी भरी हो जाती हैं। लंबे और घने पेड़ और झाड़ियाँ निखर कर घुलकर हरे मखमली रंग की हो जाती हैं और कोलतार की सड़कों पर थोड़ी थोड़ी पानी की चादर से लहरा उठती है, जिसमें पेड़ों की हरी छायाएं बिछ जाती हैं। बंगले में पली हुई बत्तखों के दल सड़क पर चलती हुई मोटरों को रोक लेते हैं और हर बंगले में से रेडियो या ग्रामोफोन के संगीत की लहरें मचलती हुई वातावरण पर छा जाती हैं। कॉलेज से लौटकर एक प्याला चाय पीकर कार लेकर चंदर बर्टी के यहाँ चल दिया। वो बहुत दिन बाद बर्टी को देखने जा रहा है। जितने व्यक्तियों को उसने अपने जीवन में देखा था, बर्टी शायद उन सभी से
निराला था, अद्भुत था, लेकिन कितना अभागा था। नहीं, अभागा नहीं, कमज़ोर था बर्टी। और वही क्या कमज़ोर है, ये सारी दुनिया भी तो कितनी कमज़ोर है। बर्टी का बंगला आ गया था, वो उतरकर अंदर गया। बाहर कोई नहीं था। बरामदे में एक पिंजरा टंगा हुआ था जिसमें एक बहुत छोटा तोते का बच्चा टंगा था। चंदर भीतर जाने में हिचक रहा था, क्योंकि एक तो पम्मी नहीं थी और दूसरे कोई और लड़की भी बर्टी के साथ आई थी, बर्टी की भावी पत्नी। चंदर ने आवाज़ दी। अंदर कोई बहुत भारी पुरुष स्वर में एक साधारण गीत गा रहा था। चंदर ने फिर आवाज़ दी। बर्टी बाहर आया। चंदर उसे देखकर दंग रह गया। बर्टी का चेहरा भर गया था, उसकी जवानी लौट आई थी। पीलेपन के बजाय चेहरे पर खून दौड़ गया था और सीना उभर आया था। बर्टी खाकी रंग का कोट, बहुत मोटा खाकी हैट, खाकी ब्रिचेस, शिकारी बूट पहने हुए था और कंधे पर बंदूक लटक रही थी। वो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पीठ झुकाकर एक हाथ से बंदूक पकड़कर आया और एक हाथ आंखों के आगे रखकर उसने इस तरह देखा जैसे वह शिकार ढूंढ रहा हो। चंदर के प्राण सूख गए। उसने मन ही मन सोचा, पहली बार तो वह कुश्ती में बर्टी से जीत गया था, लेकिन अब की बार जीतना मुश्किल है, कहाँ बेकार फंसा आकर। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, ये मैं हूँ बर्टी, चंदर कपूर, पम्मी का मित्र। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। बर्टी तन कर खड़ा हो गया और हंसकर बोला, मैं आपको भूला नहीं, मैं तो आपको यह दिखला रहा था कि मैं पागल नहीं हूँ, शिकारी हो गया हूँ। और उसने चंदर के कंधे पकड़कर इतना जोर से झकझोर दिया कि चंदर की पसलियाँ चरमरा उठी। आओ, उसने चंदर के कंधे दबाकर बरामदे की ही कोच पर बैठा दिया और सामने कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, मैं तुम्हें अंदर ले चलता, लेकिन अंदर जैनी है और एक मेरा मित्र है, दोनों बातें कर रहे हैं। आज जैनी की सालगिरह है ना, तुम जैनी को जानते हो ना, वो तराई के कस्बे में रहती थी, मुझे मिल गई, बहुत ख़राब औरत है। अच्छा खैर, ये बताओ, मैं तंदुरुस्त तो हो गया हूँ ना। अरे बहुत, मुझे ताज्जुब है कि तंदुरुस्ती के लिए तुमने क्या किया 3 महीने तक। नफ़रत मिस्टर कपूर, औरतों से नफ़रत, उससे ज़्यादा अच्छा टॉनिक तंदुरुस्ती के लिए कोई नहीं है। लेकिन तुम तो शादी करने जा रहे हो ना, लड़की ले आए हो वहाँ से। अकेली लड़की नहीं मिस्टर, मैं वहाँ से 2 चीज़ लाया हूँ, एक तो यह तोते का बच्चा और एक जैनी, वो लड़की। तोते को तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, यह बड़ा हो जाएगा, बोलने लगेगा तो इसे गोली मार दूँगा, और लड़की से मैं बहुत नफ़रत करता हूँ, इससे शादी कर लूँगा। क्यों, है ना ठीक, इसको शिकार का चाव कहते हैं और अब मैं शिकारी हूँ। चंदर हाँ कहे या ना कहे, अभी बर्टी का दिमाग तो बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई शक नहीं। क्या बात कर रहा है वह, कैसी बातें कर रहा है। अंत में बोला, यह बंदूक तो उतार कर रखिए, हमेशा बांधे रहते हैं क्या। हाँ और क्या, शिकार का पहला सिद्धांत है कि जहाँ खतरा हो, जंगली जानवर हो, वहाँ कभी बिना बंदूक के नहीं जाना चाहिए। और बहुत धीमे से चंदर के कान में बर्टी बोला, तुम जानते हो चंदर, एक औरत है जो 24 घंटे घर में रहती है, मैं तो एक क्षण को बंदूक अलग नहीं रखता। सहसा अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई, कोई चीखा और लगा जैसे कोई चीज़ पियानो पर गिरी और पर्दों को तोड़ती हुई नीचे आ गई। फिर कुछ झगड़ों की आवाज़ आई। चंदर चौंक उठा, क्या बात है बर्टी, देखो तो। बर्टी ने हाथ पकड़कर चंदर को खींच लिया, बैठो बैठो, अंदर मेरे मित्र और जैनी सालगिरह मना रहे हैं, अंदर मत जाना। लेकिन ये आवाज़ें कैसी हैं, चंदर ने चिंता से पूछा, शायद वे लोग प्रेम कर रहे होंगे, बर्टी बोला और निश्चिंत होकर बैठ गया। और क्षण भर बाद उसने अजब सदृश्य देखा, एक बर्टी का ही हम उम्र आदमी हाथ से माथे का खून पोंछता हुआ आया। वो नशे में चूर था और बहुत भद्दी गालियां देता हुआ चला जा रहा था। वो गिरता पड़ता आया और उसने बर्टी को देखते ही घूंसा ताना, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे 50 रुपये उपहार लिए, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। चंदर स्तब्ध था, क्या करे क्या ना करे। इतने में अंदर से जैनी निकली, लंबी तगड़ी, कम से कम 30 वर्ष की औरत होगी। उसने आते ही पीछे से उस आदमी की कमीज पकड़ी और उसे सीढ़ी के नीचे कीचड़ में ढकेल दिया और सैकड़ों गालियां देते हुए बोली, जा सीधे वरना हड्डी नहीं बचेगी यहाँ। वह फिर उठा तो खुद भी नीचे कूद पड़ी और घसीटती हुई दरवाजे के बाहर ढकेल आई। बर्टी सांस रोके अपराधी से खड़ा था। वह लौटी और बर्टी का कॉलर पकड़ लिया।
मैं निर्दोष हूं, मैं कुछ नहीं जानता। सहसा जैनी ने चंदर की ओर देखा। यह भी तुम्हारा दोस्त है, अभी बताती हूं। और जब वह चंदर की ओर बढ़ी तो चंदर ने मन ही मन पम्मी का स्मरण किया। कहां फंसाया उस कमबख्त ने खत लिखकर। ज्यों ही जैनी ने चंदर का कॉलर पकड़ा कि बर्टी बड़े कातर स्वर में बोला, अरे उसे छोड़ दो, वह मेरा नहीं पम्मी का मित्र है। जैनी रुक गई। तुम पम्मी के मित्र हो? अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम शरीफ आदमी मालूम पड़ते हो, मगर आगे से तुम्हारा कोई मित्र आया तो मैं उसकी हत्या कर डालूंगी, समझे कि नहीं बर्टी? बर्टी ने सिर हिला दिया। हाँ समझ गया। जैनी अंदर चल दी। फिर सहसा बाहर आई और बर्टी को पकड़कर घसीटती हुई बोली, पानी बरस रहा है, इतनी सर्दी पड़ रही है और तुमने स्वेटर नहीं पहना, चलो पहनो, मरने की ठानी है क्या? मैं साफ बता देती हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं बिना शादी किए मरने नहीं दूंगी तुम्हें। और वह बकरे की तरह बर्टी का कान पकड़कर अंदर घसीट ली गई। चंदर ने मन में कहा, यह कुछ इस रहस्यमय बंगले का असर है कि हर एक का दिमाग खराब ही मालूम देता है। 2 मिनट बाद जब बर्टी लौटा तो उसके गले में गुलबंद ऊनी स्वेटर ऊनी मोजे थे। वो हाफता हुआ आकर बैठ गया। मिस्टर कपूर, तुम्हें मानना होगा कि यह लड़की, यह डायन जैनी बहुत क्रूर है। मानता हूँ बर्टी, सोलो आने मानता हूँ, चंदर ने मुस्कुराहट रोक कर कहा। लेकिन यह झगड़ा क्या है? झगड़ा क्या होता है, औरतों को समझना बहुत मुश्किल है। अरे मेरा मतलब है कि इस औरत के फंदे में फंसे कैसे तुम, चंदर ने पूछा। शिश, होठ पर हाथ रखकर धीरे बोलने का इशारा करते हुए बर्टी ने कहा, धीरे बोलो। बात ऐसी हुई कि जब मैं तराई में शिकार खेल रहा था तो एक बार अकेले छूट गया। ये एक पेंशनर फॉरेस्ट गार्ड की अनब्याही लड़की थी, शिकार में बहुत होशियार। मैं भटकते हुए पहुंचा तो इसका बाप बीमार था तो मैं रुक गया। तीसरे दिन मैं मर गया। उसे जाने कौन सा रोग था कि उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया था और पेट फूल गया था। रात को इसे बहुत डर लगा तो यह मेरे पास आकर लेट गई। बीच में बंदूक रखकर हम लोग सो गए। रात को इसने बीच से बंदूक हटा दी और अब वह कहती है कि मुझे से ब्याह करेगी और नहीं करूँगा तो मार डालेगी। पम्मी भी मुझसे बोली, तुम्हें अब ब्याह करना ही होगा, अब मेरी मजबूरी है मिस्टर कपूर। चंदर चुप बैठा सोच रहा था, कैसी विचित्र जिंदगी है इस अभागी की, मानो प्रकृति ने सारे आश्चर्य इसी की किस्मत के लिए छोड़ रखे थे। फिर बोला, यह आज क्या झगड़ा था? कुछ नहीं, आज इसकी सालगिरह थी, ये बोली मुझे कुछ उपहार दो। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि क्या दूं इसे, मगर कुछ समझ में नहीं आया। बहुत देर सोचने के बाद मैंने सोचा कि मैं तो इसका पति होने जा रहा हूं, तो इसे एक प्रेमी उपहार में दे दूं। मैंने एक मित्र से कहा कि तुम मेरी भावी पत्नी से आज शाम को प्रेम कर सकते हो, वो राजी हो गया तो मैं ले आया। चंदर जोर से हंस पड़ा। हंसो हंसो मत मिस्टर कपूर, बर्टी बहुत गंभीर बनकर बोला, इसका मतलब यह है कि तुम औरतों को समझते नहीं। देखो, एक औरत उसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करती है, उसी के प्रति समर्पण करती है जो उसकी ज़िंदगी में नहीं होता। मान लो एक औरत है जिसका ब्याह हो गया है या होने वाला है, उसे यदि एक नया प्रेमी मिल जाए तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने पति की बहुत कम परवाह करेगी अपने प्रेमी के सामने, और अगर कुंवारी लड़की है तो वह अपने प्रेमी की भावनाओं की पूरी तौर से हत्या कर सकती है यदि उसे एक पति मिल जाए तो। मैं तो समझता हूँ कि कोई भी पति अपनी पत्नी को यदि कोई अच्छा उपहार दे सकता है तो वह एक नया प्रेमी, और कोई भी प्रेमी अपनी रानी को यदि कोई अच्छा उपहार दे सकता है तो वह यह कि उसे एक पति प्रदान करे। तुम्हारी अभी शादी तो नहीं हुई ना? नहीं भाई। तो तुम प्रेम तो ज़रूर करते होगे? नहीं। सिर मत हिलाओ, मैं यकीन नहीं कर सकता। मैं इतनी सलाह तुम्हें दे रहा हूँ कि अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो तो ईश्वर के वास्ते उससे शादी मत करना। तुम मेरा किस्सा तो सुन ही चुके हो। अगर दिल से प्यार करना चाहते हो और चाहते हो कि वह लड़की जीवन भर तुम्हारी कृतज्ञ रहे तो तुम उसकी शादी करा देना। यह लड़कियों के कामुक जीवन का अंतिम सत्य है। बर्टी हंस पड़ा। चंदर को लगा जैसे आग की लपट उसे तपा रही है। उसने भी तो यही किया है सुधा के साथ, जिसे बर्टी कितने विचित्र स्वरों में कह रहा है। उसे लगा जैसे इस प्रेत लोक में सारा जीवन विकृत दिखाई देता है, वहाँ साधना की पवित्रता भी कीचड़ और पागलपन में उलझकर गंदी हो जाती है। छी, कहाँ बर्टी की बातें और कहाँ उसकी सुधा। वो उठ खड़ा हुआ, जल्दी से विदा मांगकर इस तरह भागा जैसे उसके पैरों के नीचे अंगारे छिपे हों। मगर उसे नींद नहीं आई।
चैन नहीं आया। रात को सोया तो वह बार बार चौंक सा उठा। उसने सपना देखा एक बहुत बड़ा कपूर का पहाड़ है, बहुत बड़ा, मुलायम कपूर की बड़ी बड़ी चट्टाने और इतनी पवित्र खुशबू कि आदमी की आत्मा बेले का फूल बन जाए। वो और सुधा उन सौरभ की चट्टानों के बीच चढ़ रहे हैं। केवल वो है और सुधा है। सुधा सफ़ेद बादलों की साड़ी पहने है और चंदर किरणों की चादर लपेटे है। जहाँ जहाँ चंदर जाता है कपूर की चट्टानों पर इंद्रधनुष खिल जाते हैं और सुधा अपने बादलों के आंचल में इंद्रधनुष के फूल बटोरती चलती है। सहसा एक चट्टान हिली और उसमें से एक भयंकर प्रेत निकला, एक सफ़ेद कंकाल जिसके हाथ में अपनी खोपड़ी और एक हाथ में जलता मशाल। और उस मुंडहीन कंकाल ने खोपड़ी हाथ में लेकर चंदर को दिखाई। खोपड़ी हंसी और बोली, देख लो, जिंदगी का अंतिम सत्य यही है, यही। और उसने अपने हाथ की मशाल ऊंची कर दी। ये कपूर का पहाड़, ये बादलों की साड़ी, ये किरणों का परिधान, ये इंद्रधनुष के फूल, ये सब झूठ हैं। और ये मशाल जो अपने एक स्पर्श में इन सबको पिघला देगी। और उसने अपनी मशाल एक ऊंचे शिखर से छुआ दी। वह शिखर धधक उठा। पिघलती हुई आग की एक धार बरसाती नदी की तरह उमड़ कर बहने लगी। भागो सुधा, सुधा भागो, चंदर ने चीख कर कहा। भागो, सुधा भागी, चंदर भागा। और वह पिघली हुई आग की महानदी लहराते हुए अजगर की तरह उन्हें अपनी गुंजलिका में लपेटने के लिए चल पड़ी। शैतान हंस पड़ा। चंदर ने देखा सुधा शैतान की गोद में थी। चंदर चौंक कर जाग उठा। पानी बंद था लेकिन घनघोर अंधेरा था और पिशाचनी की तरह पागल हवा पेड़ों को झकझोर रही थी, जैसे युग के जमे हुए विश्वासों को उखाड़ फेंकना चाहती हो। चंदर कांप रहा था, उसका माथा पसीने से तर था। वो उठकर नीचे आ गया। उसके कदम ठीक नहीं पड़ रहे थे। उसने बरामदे की बत्ती जलाई। महाराजन उठी। कहाँ है भैया, उसने पूछा। कुछ नहीं, अंदर सोऊंगा, चंदर ने कहा और सुधा के कमरे में जाकर बत्ती जलाई और सुधा की चारपाई पर लेट गया। फिर उठा और चारों ओर के दरवाजे बंद कर दिए कि कहीं फिर ऐसा सपना बाहर के भयंकर अंधेरे में से चला ना आए। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल सुनो कहानी के साथ और कमेंट कीजिए उन किताबों के नाम जो आप सुनना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले भाग में।